ब्रह्म जी और राम जीवन जी जिनके यहाँ आज ये भव यज्ञ हो रहा है हमारे बाबा रामदास यादव जी की पर्ची पर, जिन्होंने 11 पहले दिए और फिर से 11 रुपए जमा टीम को आशीर्वाद सम्मानित बार बार धन आप करते हैं समस्त यादव परिवार के लिए। सजनों दूसरी बात के माध्यम से वो गोपी चंद कहता है कि माँ इंसान तो कर्म कर सकता है, फल तो भगवान देता है। लाभ हानि जीवन मरण के इंसान के हाथ बात नहीं होती। साथियों दूसरी बात के माध्यम से गोपी चंद क्या समझाते हैं, क्या Hey, baby.
योग लगाना चाहती हो? हाँ। साधु बनाना चाहती हो? हाँ बेटा। लेकिन मेरी 16 रानी है, 12 कन्या है, इतनी बड़ी वृत्त को छोड़ के साधु कैसे बन जाऊंगा मैं? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस अपना बेटा चाहिए और मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा। हाँ बेटा रोटी चलो। मतलब मैं साधु बन के अमर हो जाऊंगा? हाँ। इंसान तो कर्मों से अमर होता है, कर्म तो अपने घर में रहकर भी कर सकते हैं। अच्छा। मैं साधु बन गया हूँ, कर्म मेरे अच्छे ना हो कैसे अमर हो जाऊंगा माँ? बेटा गोपीचंद, हाँ, मैं कुछ नहीं जानती और ना ही मैं कुछ जानना चाहती हूँ। मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ, आप मेरी बात मानिए। कहते हैं बाल हट घोड़ा हट तेरी हट, जब अपने हट पर आती है तो किसी की नहीं मानते। आज माँ अपने बेटे को योग दिलाने के लिए अपने बेटे को कोई बात नहीं मानती है, पर किस प्रकार से ममता के भाव में फिर जाती है, कैसे बेटा को अमर कराने की क्या बात कर दिया और कैसे समझाता? देखिए धार्मिक मानुभावों के भाव धार्मिक इतिहास पढ़ सकते हैं। ये पितृभक्ति है, पिताजी का यज्ञ है, बरसी है आज चित्तोसिया परिवार की तरफ से, और मात्र यज्ञ मात्र भक्त गोपीचंद का इतिहास आपके समक्ष विद्वान श्रोताओं के समक्ष है। आदरणीय शीश राम जून साहब, आदरणीय शीश राम जून साहब इस मात्र भक्ति के गोपीचंद इतिहास पर 1100 रुपए का पुरस्कार देकर अपनी हरियाणा की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आइए इस प्रकार का वर्तमान माँ बेटे के बीच हो रहा है। आइए Thank you.
जिन्होंने आज के इस पवित्र यज्ञ की ओम मुकदम आज की शोभा है, इस पवित्र यज्ञ के उन्हें सहयोग का सहयोग सराहनीय 500 रुपए का पुरस्कार इस देशभक्ति की रागनी पर, रचना तिवारी की रागनी पर देते हैं। हार्दिक धन्यवाद। आइए इस प्रकार से आए Oh,
घायल है तू
मेरे नहीं समाई कलर ऐसा युद्ध करूं कारण में मांगे धरण दुहाई कलर ऐसा युद्ध करूं कारण में मांगे धरण दुहाई ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मैं ऐसी करूं लड़ाई मेरी रे भंग प्रतिज्ञा मेरी भंग प्रतिज्ञा हो जाती हावे हथियार कमाई मेरी भंग प्रतिज्ञा हो जाती हावे हथियार कमाई अगले फिर से कसम उठाई मेरी और फिर से कसम उठाई मेरी कोई लगा हार करना तेरा मेरी आत्मा वो भी श्रावणी पर प्रांत में आशीर्वाद सम्मान देते हैं बार बधन करते हैं ये भाई के क्या है आपके राघव जी आप उनके गांव के हो बहुत बहुत धन्यवाद सब पे सम्मान चौथी बात मैं यूं समझाने लग जाता दुर्योधन को दुर्योधन ये क्षत्रिय वीर का धर्म नहीं होता सुख दुख लाभ हानि ये तो कर्मों से मिलते हैं और क्या समझाने लग जाता चौथी बात और क्या बताया छपाशीलता ये छतरिया का कहना सफर और छपाशीलता ये छतरी का कहना जिसका पाप उसी के आगे हर मानस को देना अरे तू हर वीर अरे तू हर वीर रहेगा हंस के सदा नहीं यहाँ Bye.